सहनावतु सहनाभुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विदिशावहे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढके और आ जाएं वापस। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। चलो ठीक है जी मैम। तो आज हम योग उपनिषद की कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। तो इसमें स्क्रीन पे देख लीजिएगा, बता दीजिए कि आपको सही से नजर आ रहा है या बड़ा छोटा जो भी करना है बता देंगे, ठीक है। तो हमारे टोटल योग उपनिषद हैं, टोटल 8 हमारे योग उपनिषद हैं। उसमें से जो फर्स्ट है हमारा श्वेता स्वर उपनिषद है, कुंडली उपनिषद है, योग चूड़ामणि उपनिषद है, फोर्थ हमारा त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद है, फिफ्थ इज योग तत्व उपनिषद, सिक्स इज ध्यान बिंदु उपनिषद, सेवन्थ इज नाद बिंदु उपनिषद और एट है योग राजो उपनिषद। ये हमारे 8 उपनिषद दिए गए हैं हमारे योग उपनिषद में। टोटल अगर हम योग उपनिषदों की बात करें तो टोटल कितने योग उपनिषद हैं? 20 और हमारे इसमें 8 दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये किस वेद से लिए गए हैं जो ये उपनिषद है। तो जब वेद आते हैं तो जो श्वेता स्वर उपनिषद है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, योग कुंडली जो उपनिषद है ये भी कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, योग चूड़ामणि उपनिषद ये साम वेद से लिया गया है, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है, योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से है, ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से है, नाद बिंदु उपनिषद ऋग्वेद से है, और जो योग राजो उपनिषद है ये किसी भी वेद से नहीं लिया गया है। तो हमारे 4 ऐसे उपनिषद हैं जो कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। तो श्वेता सर और योग कुंडल पहले 2 और फिफ्थ और सिक्स कृष्ण यजुर्वेद और ध्यान बिंदु उपनिषद ये सब कृष्ण यजुर्वेद से लिए गए हैं। फिर आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद से हमारा त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद है, इसमें 100 से शलगम है और यहाँ पे भी 100 से शलगम, तो शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद ऐसे याद कर सकते हैं। योग चूर्मणि सामवेद, इसने किसी ने ट्रिक बनाया है इसका? नहीं बनाया है। चलिए फिर अब मंत्र की बात कर लेते हैं हम। तो मंत्र इसमें है श्वेता स्वर उपनिषद में 113 मंत्र हैं, योग कुंडल उपनिषद में 171 मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं, योग चूड़ामणि उपनिषद में 121 दिए गए हैं, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में 174 मंत्र हैं, योग तत्व उपनिषद में 142 मंत्र हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद में 106 मंत्र हैं, नाद बिंदु उपनिषद में 56 हमारे मंत्र दिए गए हैं और योगराजो उपनिषद में 21। तो सबसे कम जो मंत्र है हमारे योगराजो उपनिषद में दिए गए हैं, उसके बाद आपका आ जाता है नाद बिंदु उपनिषद में दिए गए हैं। तो ये हमारे सबसे छोटा हमारा उपनिषद आपका योगराजो उपनिषद है और सबसे ज्यादा मंत्र हमारे त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में है, 174 मंत्र यहाँ पे दिए गए। अब हम बात कर लेते हैं इनके अध्याय की, किसमें कितने अध्याय दिए गए हैं। वैसे तो ऐसे हमारे 3 ही उपनिषद मिलते हैं जिसमें अध्यायों की बात की गई है। तो यहाँ पर अध्याय श्वेता स्वर उपनिषद में 6 अध्याय दिए गए हैं, हमारे जो सिलेबस है सिलेबस में 2 ही अध्याय हमारे दिए हैं। कौन कौन से 2 अध्याय हैं? दूसरा और छठा अध्याय दिया गया है और 6 अध्याय हैं।
तो हमारा योग कुंडली उपनिषद है, इसमें हमारे 3 अध्यायों का वर्णन है। फर्स्ट में 87 मंत्र हैं, सेकंड में 49 मंत्र हैं और थर्ड में 35 मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं। योग चूड़ामणि उपनिषद में कोई भी अध्याय नहीं है। फिर जो त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद है, इसमें जो अध्याय है, अध्याय को यहाँ पर ब्राह्मण बोला गया है। ब्राह्मण के भी 2 पार्ट्स इसमें दिए गए हैं। पहले को मंत्र बोला गया है, मंत्र में 1 से लेकर 9 मंत्र हैं, और जो सेकंड हमारा है इसमें आपके 165 मंत्र यहाँ पर दिए गए हैं, और में हमारे अध्याय नहीं दिए गए हैं। स्पीड बता देंगे ठीक है या कम करूं? यस मैम, ठीक है, ठीक है, कम कर दो। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं योग। योग की बात करते हैं, किसमें कितने योग, किन किन योग की चर्चा है। तो हमारा श्वेता स्वरूपनिषद है, इसमें कर्म योग और ज्ञान योग की चर्चा हमें मिलती है। योग कुंडली उपनिषद में हमें योग की चर्चा, ऐसे योग नहीं बताए गए कितने प्रकार के हैं। तो योग चूड़ामणि उपनिषद है, यहाँ पर षडांग योग का वर्णन मिलता है। षडांग योग में क्या होता है? 6 अंग। कौन से 6 अंग? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, छोड़ के मैम आसन से लेकर समाधि तक जो हमारे अंग होते हैं षडांग योग में आ जा रहे हैं। इसमें यम नियम नहीं आता। आसन से लेकर हमारे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन, प्राण संरोध, प्राण संरोध, प्राणायाम। तो इसमें आसन से लेकर समाधि तक हमारे षडांग 6 अंग आ जाते हैं। कर्म योग इसमें दिया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में हमारे अष्टांग योग भी मिलता है, कर्म योग और ज्ञान योग। जो त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद है, ये हमारा हमारा शिव संहिता से ही मिलता है और हमारा वशिष्ठ संहिता से भी, सॉरी, ये हमारा त्रिशिको ब्राह्मण जो उपनिषद है, वशिष्ठ संहिता से कुछ कुछ चीजें इसमें मिलती हैं। और जो योग तत्व उपनिषद है, योग तत्व उपनिषद हमारे शिव संहिता से मिलता है। और जो योग चूड़ामणि उपनिषद है, ये गोरख संहिता से हमारा मिलता जुलता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं योग तत्व उपनिषद की। इसमें भी अष्टांग योग का वर्णन है। इसमें योग के 4 प्रकार बताए गए हैं, मंत्र, लय, हट और राज। इसमें 4 प्रकार भी दिए गए हैं योग के। फिर बात करते हैं हम ध्यान बिंदु उपनिषद, इसमें भी षडांग योग दिया गया है। नाद बिंदु में कोई भी योग का प्रकार नहीं है। 2 ऐसे हमारे टेक्स्ट हैं जिसमें हमें योग के प्रकार नहीं, तो नाद बिंदु हो गया और आपका एक कुंडली, योग कुंडली उपनिषद हो गया। फिर आ जाते हैं हम योग राजो उपनिषद, इसमें चतुरंग योग का वर्णन है। योग के 4 प्रकार बताए गए हैं। योग के 4 प्रकार में आसन, प्राण संधरोध, ध्यान और समाधि यहाँ पे दिए गए हैं। हठ योग प्रदीपिका की तरह नहीं है, यहाँ पर जो चतुरंग योग है वह अलग दिया गया है। और यहाँ पे योग के 4 प्रकार भी दिए गए हैं, मंत्र, लय, राज और हट, यहाँ पे 4 प्रकार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा योग की चर्चा हो गई है। अब इनके मुख्य विषय हम देखेंगे कि योग उपनिषद के मुख्य विषय क्या हैं। मुख्य विषय की हम बात करें तो इसमें जो श्वेता स्वर उपनिषद है, इसमें मुख्य विषय आरंभ होता है, इसमें ब्रह्म जिज्ञासा से यह आरंभ होता है श्वेता स्वर उपनिषद। और यहाँ पर ध्यान बिंदु, ध्यान का मुख्य विषय है, यहाँ पे ध्यान के बारे में बताया गया। जो योग कुंडली उपनिषद है, यहाँ पे प्राणायाम सिद्धि के उपाय बताए गए, कुंडली के बारे में बताया गया है और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। जो योग चूड़ामणि उपनिषद है, इसमें योग साधना के द्वारा आत्मशक्ति का जागरण कैसे होता है वह बताया गया है। फिर त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद है, यहाँ पे अष्टांग योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति को किस तरीके से किया जा सकता है वह बताया है। योग तत्व उपनिषद में अभी पता नहीं है। ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान योग के बारे में ज्यादा हमें चर्चा मिलती है। नाद बिंदु उपनिषद में ओमकार को हंस मार के उसके अंगों का वर्णन किया गया है। और जो हमारा योग राजो उपनिषद है, योग राजो उपनिषद को उपनिषदों में श्रेष्ठ कहा गया है और योगराज की संज्ञा भी दी गई है। क्योंकि यहाँ पर सारे योग की चर्चा हमें मिल जाती है। चतुरंग योग भी है, योग के 4 प्रकार भी यहाँ पर हमें मिलते हैं, लय योग वगैरह, राजयोग के बारे में भी यहाँ पर बताया गया और टोटल 21 ही इसमें मंत्र दिए गए हैं। मगर यहाँ पे चक्रों का भी हमें वर्णन मिल जाता है, 9 चक्रों का वर्णन भी यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर उपनिषदों में श्रेष्ठ भी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं संवाद की। बात करें तो संवाद जो हमें मिलता है योग कुंडली उपनिषद में, ब्रह्मा जी और शिव जी का संवाद मिलता है। जो त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में है, इसमें त्रिशिको ब्राह्मण
त्रिशिखी ब्राह्मण का और भगवान आदित्य मतलब सूर्य का हमें संवाद मिलता है। और जो योग तत्व उपनिषद है इसमें पितामह ब्रह्मा जी का और भगवान विष्णु जी का हमें संवाद मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यम की। तो हमें दो टेक्स्ट हैं जिसमें हमारा अष्टांग योग दिया गया है, एक तो त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद है और हमारा योग तत्व उपनिषद है। जो हमारे योग उपनिषद है उसमें दो ही ऐसे हमारे उपनिषद हैं जिसमें अष्टांग योग का वर्णन है, एक तो हो गया त्रिशिखो और हो गया योग तत्व। तो जो यम है त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में, यम को वैराग्य भावना, जो हमारी इंद्रिया है उन सबसे वैराग्य करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। टोटल यहाँ पर 10 दिए गए हैं, उसमें से जो यम है उसको वैराग्य भावना को कहा गया है। और जो योग तत्व उपनिषद है यहाँ पर मिताहार, यमों में श्रेष्ठ क्या है, मिताहार, ऐसा ही वर्णन हमें हठ प्रदीपिका में भी मिलता है, यमों में श्रेष्ठ मिताहार। फिर हम नियम की बात करें तो नियम त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में जो नियम है उसको ईश्वर प्राणिधान को ही यहाँ पर नियम कहा गया है। और योग तत्व उपनिषद में नियम नियमों में श्रेष्ठ अहिंसा कहा गया है। ठीक है, इस तरीके से बताएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आसन की। आसनों की बात करें तो श्वेता स्वर उपनिषद में आसन की चर्चा हमें नहीं मिलती है। योग कुंडली उपनिषद में दो प्रकार के आसन हमें मिलते हैं, पद्मासन और वज्रासन की बात हुई है यहाँ पर। योग चूड़ामणि उपनिषद में भी दो आसन हमें मिलते हैं, सिद्धासन और पद्मासन। त्रिशिखो ब्राह्मण में 17 आसनों की चर्चा हमें मिलती है। योग तत्व उपनिषद में हमें 4 प्रकार के आसनों की चर्चा मिलती है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी हमें 4 प्रकार के आसनों की चर्चा मिलती है, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। जो नाद बिंदु उपनिषद है इसमें 1 ही आसन है और यह है सिद्धासन, यहाँ पर बताया गया है। हठ योग प्रदीपिका में ऐसा ही वर्णन हमें किस टेक्स्ट में मिलता है, हठ योगी ग्रंथ में? योग बीज में एक ही आसन है। योग बीज में एक ही आसन है और योग उपनिषदों में से हमारा नाद बिंदु में एक ही आसन है। फिर हम प्राणायाम की बात कर लेते हैं। श्वेता स्वरों में प्राणायाम के बारे में क्या कहा गया है, आहार विहार के बाद प्राणायाम करके जब प्राण क्षीण हो जाए तो नासिका से उसे बाहर निकाल दें। यह है श्वेता स्वर उपनिषद में प्राणायाम की चर्चा। फिर हम योग कुंडली उपनिषद में देखते हैं तो इसमें केवल 2 कुंभक यहाँ पर बताए गए हैं, केवल और सहित। सहित के भी यहाँ पर 4 प्रकार बताए गए हैं, सूर्यभेदी, उज्जायी, शीतली और भस्त्रिका। ये 4 यहाँ पर सहित के प्रकार बताए गए हैं। फिर बात करें हम योग चूड़ामणि उपनिषद में, यहाँ पे नाड़ी शोधन की हमें चर्चा मिलती है और नाड़ी शोधन को बद पद्मासन में करने के लिए कहा गया है। पूरक, कुंभक और रेचक का रेशो यहाँ पर बताया गया है। जो पूरक है वह 12 मात्रा से यहाँ पर शुरू करना है, 16 मात्रा तक कुंभक करना है और 10 मात्रा तक रेचन करना है। तो जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे शरीर में पसीना उत्पन्न होता है। तो सेकंड जब रेशो इसका बढ़ जाएगा तो 24, 32 और 20 हो जाएगा, इसमें कंपन होगा हमारे शरीर में। और जब थर्ड जो हमारी अवस्था है इसमें 36, 48 और 30 का रेशो यहाँ पर करने के लिए बोला गया है, ये ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। और किस टेक्स्ट में हमें दिया गया ऐसा ही वर्णन, गोरख संहिता में, वहां पर 12 मात्रा से हमारे प्राणायाम शुरू करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर भी। फिर बात कर लेते हैं हम त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में, यहाँ पर नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन की यहाँ पे 4 विधियां दी गई हैं, रेचक, पूरक, कुंभक और फिर रेचक। यहाँ पर जो इसका रेशो दिया गया है 16:64:32 का रेशो दिया गया है और यहाँ पर एक बार में 20 बार करने के लिए कहा है और दिन में 4 बार प्राणायाम करने के लिए कहा गया, तो टोटल हो गया हमारा 80 बार। तो यहाँ पर प्रातः, मध्यान्ह, सायं और उधरराति को करने के लिए कहा गया है। फिर यहाँ पे कुछ और भी दिया गया है। प्राणायाम में नासिका पे हम जब दृष्टि रखते हैं और जिह्वा से वायु पान करते हैं 3 मास में तो हमारी वाक् सिद्धि हो जाती है और 6 माह में महारोग जो होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, ऐसा बताया गया है। फिर हम बात करते हैं योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद में भी नाड़ी शोधन को पद्मासन में करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर स्थान भी बताया गया, समतल भूमि होनी चाहिए और वहां पे आसन मिक चर्म का या कुश का होना चाहिए। यहाँ पर भी 16:64:32 का यहाँ पे रेशो दिया गया है।
टोटल यहाँ पर भी 20 बार एक बार में करने के लिए और दिन में 4 बार करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर जो हमारा ये जो 16 मात्रा है, एक मात्रा की यहाँ पर समय भी दिया गया है। जब हम अपने जानू की मतलब अपने जो घुटने की एक बार घुमाकर एक बार चुटकी बजाते हैं उसे मात्रा बोला जाता है और ये 3 मास में शुद्ध हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद की। ध्यान बिंदु उपनिषद ने प्राणायाम के साथ प्रणव का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। पूरक में ब्रह्मा जी का, जब हम पूरक करेंगे तो ब्रह्मा का ध्यान करना है, जब हम कुंभक करेंगे तो विष्णु का ध्यान करने के लिए कहा गया है, और जब रेचर करेंगे तो रुद्र का ध्यान करने के लिए कहा गया है, और प्राणायाम को पद्मासन में करने के लिए कहा गया है। ओके है मैम, एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। योग तत्व वाले में योग तत्व उपनिषद में जो भी मात्राएं भी बताई हैं उसमें है 16, 64, 32, इसको दिन में एक टाइम पे 20 बार और पूरे दिन में 4 बार। तो ये जो एक मात्रा है जानू प्रदक्षिणा, ये किस लिए बताई है? ये टाइम पीरियड, जैसे 16 मात्रा है तो 16 में से एक मात्रा को बताया गया है कि एक मात्रा इतना टाइम पीरियड होना चाहिए। अच्छा, मतलब है ना, जैसे हम रेचक कर रहे हैं तो कितनी देर तक रेचक करना है, ये रेचक या पूरक। तो मीन्स अगर जब हम इनहेल करें 16 वाले मात्रा के अंदर तो हम 16 बार करेंगे ऐसा। हाँ, फिर ऐसे 64, फिर ऐसे 32। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच जी। फिर हम बात कर लेते हैं मुद्रा की। तो श्वेता स्वर उपनिषद में कोई भी मुद्रा नहीं है। अब तथा योग कुंडली उपनिषद, योग कुंडली उपनिषद में एक मुद्रा की यहाँ पर बात की गई है, वह शक्ति चालिनी मुद्रा जिससे कुंडली जागरण होती है। फिर आपका योग तत्व उपनिषद, सॉरी आपका योग चूड़ामणि उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद में टोटल 8 मुद्राओं का वर्णन है। एक जगह पे 5 मुद्राओं का वर्णन है और 3 मुद्रा और भी हमें इसमें यहाँ पर मिलती है। तो 5 मुद्राओं में आपकी आ जाएगी महामुद्रा, नवो मुद्रा, उड्यान बंध, जलंधर बंध और मूल बंध। ये तो होगी आपकी 5 मुद्राएं, और 3 मुद्राओं की जो चर्चा मिलती है वह खेचरी, वज्रौली मिलती है। फिर हम बात कर लेते हैं त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद की। यहाँ पर हमें षडमुखी मुद्रा की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है हमारा योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद में हमें 3 प्रकार की मुद्राओं का वर्णन मिलता है, एक तो वज्रौली, अमरौली और सहजौली, 3 प्रकार की मुद्राएं यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में हमारे 6 प्रकार के हमें मुद्राओं का वर्णन मिलता है, जिसमें फर्स्ट है मूल बंध, सेकेंड उड्यान बंध, थर्ड है जालंधर बंध, फोर्थ है खेचरी, फिफ्थ है योनी और सिक्स्थ है आपकी महामुद्रा। नेक्स्ट है आपका नाद बिंदु उपनिषद, इसमें एक ही मुद्रा का वर्णन मिलता है, वह है वैष्णवी मुद्रा। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी एक बार आ चुका है कि इसमें कौन सी मुद्रा है और कौन सा आसन है। और नेक्स्ट बात करें योगराज उपनिषद, योगराज उपनिषद में 3 पीठ हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो 3 पीठ कौन कौन से, उड्यान पीठ, उड्यान पीठ की हम बात करें तो 3 प्रकार के पीठ यहाँ पर मिलते हैं, उड्यान पीठ, जालंधर पीठ और पूर्णगिरी पीठ। मुद्राओं की जगह यहाँ पर पीठ यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, प्राण की बात करें, आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। प्राण की बात करें तो हमें 3 टेक्स्ट हैं जिस जहाँ पर हमें प्राणों का वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा योग चूड़ामणि उपनिषद में। योग चूड़ामणि उपनिषद में 10 प्राणों की चर्चा है, जिसमें से 5 प्राण हैं और 5 उपप्राण यहाँ पर दिए गए हैं। त्रिशिको ब्राह्मण में उपनिषद में भी 10 प्राणों की चर्चा है, और आपका ध्यान बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद में भी 10 प्राणों की चर्चा है, जिसमें से 5 प्राण हो गए, 5 में से भी 2 श्रेष्ठ हैं, प्राण और अपान, प्राण और अपान, और इन दोनों में से भी 1 श्रेष्ठ है, वो हो जाएगा आपका प्राण। ठीक है, नेक्स्ट नाड़ियों की बात करते हैं। तो नाड़ियों में योग चूड़ामणि उपनिषद में 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं, उसमें से भी 72 में से भी 10 मुख्य बताई गई हैं, और 10 में से भी 3 बताई गई हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा को यहाँ पर सोम, पिंगला का सूर्य और सुषुम्ना का अग्नि, यहाँ पर इनके देव भी बताए गए हैं। नेक्स्ट हमें त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी 72,000 नाड़ियों का वर्णन है,
ये 72,000 जो नाड़ियां पीपल के पत्ते के समान बताई गई हैं, ऐसा ही वर्णन हमें वशिष्ठ संहिता में भी मिलता है। यहाँ पर 10 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं और नाड़ियों का उद्गम स्थान नाड़ियां कंद से शुरू होती हैं, यहाँ से उत्पन्न होती हैं, यहाँ से बताया गया है। नेक्स्ट है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी 10 नाड़ियां मुख्य हैं, 10 में से 3 मुख्य हैं, 3 में से भी 1 मुख्य है। यहाँ पर भी नाड़ियों का उद्गम स्थान कंद को बताया गया है। फिर बात कर लेते हैं हम चक्र की। चक्र की बात करें तो योग चूड़ामणि उपनिषद में हमें 6 चक्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें से आधार चक्र, आधार चक्र मतलब आपका मूलाधार चक्र, जिसमें 4 दल यहाँ पर बताए गए। स्वादिष्ठान में 6 दल बताए गए। नाभि चक्र मतलब मणिपुर चक्र, इसमें 10 दल बताए गए हैं। पदम चक्र इसमें 12, मतलब कि जो अनाहत चक्र है उसे बोला गया है यहाँ पर पदम चक्र, इसमें 12 दल है। विशुद्धि चक्र इसमें 16 दल है और आज्ञा चक्र में 2 दल यहाँ पर बताए गए। फिर बात कर लेते हैं हम चक्रों की। तो ध्यान बिंदु उपनिषद में हमारे 4 चक्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें मूलाधार, मूलाधार में 4 चक्रों का, 4 दल का वर्णन है। स्वादिष्ठान को यहाँ पर मेड्र बोला गया है। मणिपुर में हमें 12 दल मिलते हैं और अनाहत में इसमें 8, 10 और 32 पंखुड़ियों का वर्णन है। सबसे अलग इसमें वर्णन है अनाहत में, इसका ध्यान रखेंगे। किसमें दिया गया है? तो ध्यान बिंदु उपनिषद में 8 दल दिए गए। नेक्स्ट है नाद बिंदु उपनिषद। इसमें सहस्रार चक्र की बात की गई है, जिसमें 1000 कमल यहाँ पर, 1000 दल बताए गए हैं और सहस्रार चक्र के ऊपर बीज रूपी हंस यहाँ पर विद्यमान बताया गया है। और बात करें हम सिद्ध हमारे योगराज उपनिषद, इसमें 9 चक्रों का वर्णन है, अभी आगे हम देखेंगे ध्यान में। नेक्स्ट है धारणा की हम बात करें तो हमारे 3 ऐसे उपनिषद मिलते हैं जहाँ पे धारणाओं का वर्णन है। एक तो है त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। तो धारणा की अगर बांध कर त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में पंच धारणा, 5 प्रकार की धारणाओं की बात की गई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और सब में जो टाइम पीरियड है वह अलग अलग है। पृथ्वी में 5 घटी तक आपको धारणा करनी है, जल में 10 घटी तक, अग्नि में 15 और वायु में 20 घटी तक यहाँ पर करने के लिए कहा गई है, आकाश में नहीं बताई गई है। फिर योग तत्व उपनिषद की बात करें तो यहाँ पर भी पंच धारणा, 5 घटी तक, सभी में 5 घटी तक करने के लिए कही गई है। फिर ध्यान बिंदु उपनिषद में देखते हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में यहाँ पर धारणा करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर इनके बीज मंत्र दिए गए, पृथ्वी में लम, जल में वम, अग्नि में रम, वायु में यम और आकाश में हम दिया गया धारणा। बात कर लेते हैं कुंडली की। श्वेता स्वर उपनिषद में हमें कुंडली की चर्चा नहीं मिलती है। योग कुंडली उपनिषद में हमें योग की चर्चा मिलती है, यहाँ पर इसको शक्ति चालनी भी कहा गया है। इस शक्ति चालनी को 2 साधन यहाँ पे बताए गए हैं, एक तो सरस्वती चालन बोला गया है, इसे अरुंधति भी बोला गया है। सेकंड इसका साधन प्राण संधरोध है, मतलब कि प्राणायाम को बोला गया है। और ये जो कुंडली है, ये कुंडली अष्टधा प्रकृति की बताई गई है। अष्टधा प्रकृति में हमारी 8 चीजें आ जाती हैं। एक तो पंच तत्व आ जाते हैं हमारे, पंच तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हो गए टोटल, तो ये होगी अष्टधा प्रकृति की, ठीक है। फिर योग चूड़ामणि उपनिषद की बात करें तो यह भी 8 कुंडली, यहाँ पर 8 कुंडली लपेटे बताए गए हैं। इसको यहाँ पर कुंडली को परमेश्वरी शक्ति भी कहा गया है और ये जागृत होती है वहिनी योग, अग्नि योग से जागृत होती है और सुषुम्ना में ये सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में भी ये 8 लपेटे यहाँ पर बताए गए, अष्ट प्रकृति स्वरूपा इसे कहा गया कुंडली को और ये जागृत होती है योग के अभ्यास। योग तत्व उपनिषद की बात करें तो यहाँ पर कुंडली जागरण से परिचय अवस्था की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। जब कुंडली जागृत हो जाती है तो हमें परिचय अवस्था प्राप्त होती है। फिर ध्यान बिंदु उपनिषद की बात करें तो यहाँ पे ये जागृत होती है वहिनी योग के माध्यम से जागृत होती है। कुंडलिनी को यहाँ पर जल रूपा भी कहा गया है, कुंडली को भूमध्य में लय करने के लिए कहा गया है। अब लास्ट में हम योगराज उपनिषद की बात करें तो यहाँ पर स्वादिष्ठान को यहाँ पर अग्नि कुंड एवं तत्व कुंडलिनी कहा गया है, स्वादिष्ठान चक्र को, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। नेक्स्ट बात करेंगे अजपा गायत्री की। तो अजपा गायत्री जो हमें 2 टेक्स्ट में मिलती है, एक तो हमें मिलती है योग चूड़ामणि उपनिषद में और ध्यान बिंदु उपनिषद में। इसमें पूरे दिन रात 21,600 बार मंत्र करने के लिए कहा, 21,600 बार करने के लिए कहा गया है।
जब हम स की ध्वनि जो होती है वो इनहेल करते हुए है और जो ह की ध्वनि है वो एक्सहेल करते हुए, और जो अजप गायत्री है ये मुक्ति प्रदायत्री बताए हुए मोक्ष प्रदान करने वाली यहाँ पर बताई गई है, सेम ऐसा ही हमें ध्यान बिंदु में भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ध्यान की। तो जो श्वेता स्वरूप उपनिषद है इसमें ध्यान का हमें वर्णन मिलता है, दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में दिया गया है ध्यान का वर्णन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करना है, सिर ग्रीवा वक्षस्थल सीधा करना है और स्थिर करने के लिए कहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंद्रियों का अंतकरण करना है, फोर्थ नंबर थर्ड नंबर पे ओमकार का ध्यान करने के लिए कहा गया है, फोर्थ पे आहार विहार से युक्त होना है, पांच में प्राणों को सूक्ष्म करना है, सिक्स में मन में इंद्रियों को वश में करना है, और यहाँ पर एक सविता देवता का ध्यान करने के लिए भी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि श्वेता स्वरूप निषद में किस देवता का ध्यान करने के लिए कहा गया है, तो वह हो जाएंगे सविता देवता का ध्यान करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करें योग कुंडली उपनिषद की। यहाँ पर अंतकरण में स्थित आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह अंगुष्ट मात्र ध्यान करने के लिए कहा गया है, आत्मा में आत्मा का कलश में स्थित दीपक की तरह अंगुष्ट मात्र ध्यान करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे ध्यान की तीन दृष्टियां बताई गई है, ऐसे ही दृष्टियां हमें घरेलू संहिता में भी मिलती है, अमावस्या दृष्टि, प्रतिपदा और पूर्णिमा दृष्टि, ये तीन प्रकार की दृष्टियां भी हमें यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद की। यहाँ पर प्रणव ओम जप की बात की गई है, यहाँ पर विधि इसकी बेहतर है एकांत स्थान में होना चाहिए, पद्मासन में करना है, कमर से सिर से सीधा भाग होना चाहिए, दृष्टि यहाँ पे नासिका दृष्टि बताई गई है और प्रणव जप को करने के लिए कहा गया है। फिर हम बात करते हैं त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद की। तो यहाँ पर ध्यान के लिए बताया गया है, मैं चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ, यही चिन्ह भाव ध्यान कहा गया है, मैं ही चिन्ह मात्र स्वरूप हूँ ऐसा जो भाव है उसी को यहाँ पर ध्यान कहा गया है। और एक पहर तक यहाँ पर कुंभक करते हुए वासुदेव का ध्यान करने के लिए भी कहा गया है, तो वासुदेव का ध्यान करना है। कुंभक श्वास को रोकने के लिए कहा गया है, एक पहर मतलब 3 घंटे समय के लिए कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये है योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद में भ्रिकुटी में मतलब आईब्रो सेंटर के मध्य में श्री हरि का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर 2 प्रकार के ध्यान का हमें वर्णन मिलता है, एक तो सगुण ध्यान और एक होता है आपका निर्गुण ध्यान करने के लिए कहा गया है। और सगुण ध्यान से हमें अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं और निर्गुण ध्यान से समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो ध्यान का समय है यहाँ पर 6 घटी तक करने के लिए कहा गया है, ये अलग है तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें टाइम पीरियड 6 घटी दिया गया है, मतलब की 2 घंटे 24 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में। ये तो पूरा ही ध्यान का है, तो इसमें जो ब्रह्म को बताया गया है ब्रह्म ध्यान योग, तो इसमें नाद ध्वनि जो बीजाक्षर ओम से जो परे बिंदु स्थित है वहां पर बताई गई है, ये बताया गया है ब्रह्म ध्यान योग के बारे में। फिर यहाँ पे ब्रह्म की सत्ता बताई गई कि ब्रह्म कैसा है, तो बाल के अग्रभाग जो आगे का जो उसकी टिप होती है उसके लिए बताया गया है, बाल के अग्रभाग से 1 लाख हिस्से पुनः उसके 1 लाख हिस्से ईश्वर, उस हिस्से के भी 50,000 हिस्से किए जाए तो वह ब्रह्म की सत्ता यहाँ पर बताई गई है कि ब्रह्म कैसा है। फिर यहाँ पर प्रणव ध्यान की विधि यहाँ पर बताई गई है, तो बाण जो है बाण को यहाँ पर आत्मा कहा गया है, जो धनुष है धनुष को यहाँ पर प्रणव कहा गया है, और जो लक्ष्य है उसको यहाँ पे ब्रह्मा कहा गया है। ऐसा ही वर्णन हमें कठोपनिषद और मुंडको उपनिषद में भी मिलता है, यहाँ पे प्रश्न लिखा है इसको मुंडको कर लेंगे। फिर यहाँ पर ध्यान के बारे में बताया गया है कि हृदय कमल की कर्णिका के मध्य ज्योति सुखा में अंगुष्ट मात्र का ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे कौन से 2 टेक्स्ट हैं जिसमें अंगुष्ट मात्र ध्यान करने के लिए कहा गया है, श्वेता संहिता। और यहाँ पर जो हम योग उपनिषद की बात करें तो आपका आ जाएगा योग कुंडली उपनिषद और आपका आ जाएगा ध्यान बिंदु उपनिषद। मैम ये क्या चेंज करवाया था आपने, यहाँ प्रश्न उपनिषद लिखा है तो और कौन? मुंडको उपनिषद में ऐसा ही वर्णन है प्रणव का, बाण धनुष और जो लक्ष्य है, प्रश्न में नहीं है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम योग राजो उपनिषद की। तो जो योग राजो उपनिषद है इसमें 9 चक्रों पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो इसमें 9 चक्र हैं। ब्रह्म चक्र है फर्स्ट, मतलब कि जो मूलाधार चक्र है यहाँ पे भग की आकृति का ध्यान करने के लिए बोला गया है। जो स्वादिष्ठान चक्र है यहाँ पे उड्यान पीठ पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। जो नाभि है नाभि पर 5 आवृत वाली विद्युत का ध्यान करने के लिए कहा गया है। जो हृदय चक्र है हृदय चक्र में हंस का ध्यान करने के लिए कहा गया है। जो कंठ चक्र है कंठ चक्र में पवित्र प्रकाश का ध्यान करने के लिए कहा गया है। जो तालुका है तालुका में शून्य में ध्यान करने के लिए कहा गया है। भू चक्र है भू चक्र में गोलाकार ज्योति का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ब्रह्मचक्र में धूम वर्ण वाले सुतिक ग्राम का यहाँ पर ध्यान करने के लिए कहा गया है। और जो व्योम चक्र है व्योम चक्र में पूर्ण गिरि पीठ का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ऐसे ही 9 चक्रों का वर्णन हमें सिद्धांत पद्धति में भी मिलता है। नेक्स्ट हम सृष्टि के क्रम की बात कर लेते हैं कि सृष्टि की उत्पन्न किस तरीके से होती है। जो श्वेतसर उपनिषद है श्वेतसर उपनिषद में जो प्रकृति उत्पन्न होती है यहाँ पर चीजें बताई गई, एक तो जड़ और एक चेतन बताया गया है। जड़ को यहाँ पर प्रकृति और चेतन को यहाँ पे पुरुष बोला गया है। इसमें यहाँ पर 8 तत्व हैं। ये किस तरीके से आते हैं 1, 2, 3 और 8 इस प्रकार से यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट में आ जाता है आपका प्रकृति, सेकंड में आ जाता है आपका प्रकृति और पुरुष, थर्ड में आ जाते हैं आपके 3 तत्व सत्व रजतम गुण आ जाते हैं 3, और फिर 8th में आपके बुद्धि अहंकार मन और पंच महाभूत आ जाते हैं। ये सृष्टि का क्रम इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। योग कुंडली उपनिषद में नहीं दिया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं योग चूड़ामणि उपनिषद की। तो सबसे पहले यहाँ पर आत्मा या परमात्मा जो है उनसे आकाश की उत्पत्ति होती है, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर इनके देव भी बताए गए हैं। आत्मा के जो देव हैं वो परमात्मा हो गए, आकाश के जो देव हैं वो सदाशिव हो गए, वायु के जो देव हैं वह ईश्वर हो गए, अग्नि के जो देव हैं वह रुद्र हो गए, और यहाँ पर अग्नि को तमोगुणी भी बताया गया है। जो जल है यहाँ पर विष्णु इनका देव बताए गए हैं और इसको यहाँ पे सतोगुणी बताया गया है। और जो पृथ्वी है पृथ्वी के जो देव हैं वो ब्रह्म हैं और यहाँ पर इन्हें रजोगुणी बताया गया है। फिर हम बात कर लेते हैं त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद की। तो यहाँ पर जो सबसे पहले उत्पत्ति होती है ब्रह्म से अव्यक्त की प्रकृति की, और अव्यक्त से महत की, महत से अहंकार की, अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की, और पंच महाभूत से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करें योग तत्व उपनिषद की। योग तत्व उपनिषद में सबसे पहले परमात्मा से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, पंच महाभूत से धातुओं की उत्पत्ति होती है, धातुओं से गुणात्मक पिंड की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट बात करें हम ध्यान बिंदु में ओमकार से उत्पत्ति बताई गई है, ओमकार से देवों की उत्पत्ति होती है, देवों से स्वर की उत्पत्ति होती है, स्वर से त्रिलोक की उत्पत्ति होती है, 3 लोकों की उत्पत्ति होती है, और त्रिलोक से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट हम नाद बिंदु उपनिषद। नाद बिंदु उपनिषद में कहा गया है जगत का उपादान कारण आत्मा ही, आत्मा के द्वारा ही उत्पत्ति ऐसा बताया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं योग के स्थान की। योग के श्वेतसर उपनिषद में जो योग का स्थान है वह समतल भूमि यहाँ पर बताया गया है। शुद्ध होनी चाहिए, कंकड़ रहित होनी चाहिए, अग्नि बालू से रहित होनी चाहिए, शब्द जल आश्रय के अनुकूल होनी चाहिए, नेत्रों को पीड़ा न देने वाली होनी चाहिए, वायु शून्य होनी चाहिए मतलब वहां पे वायु नहीं होनी चाहिए, और मन के अनुकूल होनी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, तो अच्छे से लर्न करके जाएंगे इन्हें। फिर योग कुंडली उपनिषद की बात करें तो कंकड़ पत्थर से रहित होनी चाहिए, आसपास घास जल और शीत ना हो ऐसा यहाँ पर बताया गया है, पवित्र होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, समतल होनी चाहिए, सुख देने वाला आसन बिछाकर बद्ध पद्मासन में करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट बात करें हम योग तत्व उपनिषद में, तो यहाँ पे कुटिया का वर्णन किया गया है। कुटिया कैसी होनी चाहिए, सुशोभन मठ होना चाहिए, सूक्ष्म द्वार छोटा द्वार होना चाहिए, अच्छिद्र होनी चाहिए, गाय के गोबर से लिपि भी होनी चाहिए,
स्वच्छ होनी चाहिए, कीड़ों से रहित होनी चाहिए, प्रतिदिन झाड़ और फुहार उसमें करना है, धूप देनी है, गूगल धोनी कर सुवासित करना है, मतलब कि रोज धूप देनी, धुनी लगानी है, रोज सुगंधित करना है। फिर हम कंद की बात करें तो जब हमारा योग कुंडली उपनिषद है, यहाँ पर कंद के बारे में हमें चर्चा मिलती है। यह कंद नाभि स्थान के यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर वेष्टांबर वस्त्र की बात होती है, वेष्टांबर जो कपड़ा उसकी बात होती है। इसकी लंबाई 12 अंगुल होती है, चौड़ाई 4 अंगुल बताई गई है। और कुंडली जो नाड़ी है वह कंद का स्थान भी कहा गया है, जो कुंडली का स्थान उसे कंद का स्थान भी कहा गया है। ऐसे ही वेष्टांबर वस्त्र की बात हमारे घृण संहिता में हमें मिलती है और योग बीज में हमें मिलती है। विष्टांबर बस की चर्चा। नेक्स्ट हम बात करें योग कुंडली उपनिषद में, यहाँ पर मेड्र को स्वाधिष्ठान और नाभि के मध्य बताया गया है और यहाँ पर 72,000 नाड़ियां भी हैं। तो मेड्र और नाभि के बीच में बताया गया है यहाँ पर, और यहीं से 72,000 नाड़ियां भी निकलती हैं ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट बात करें हम त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में, तो यहाँ पर कंद है, ये सुषुम्ना नाड़ी के यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ से कंद से दो नाड़ियां यहाँ पे निकलती हैं, एक तो वैष्णवी नाड़ी है जो ब्रह्म नाड़ी तक जाती है और इससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। दूसरी जो नाड़ी है वह कौशिकी नाड़ी है जो पैर के अंगूठे तक गई गई है ऐसा बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद की, तो इसमें मेड्र से ऊपर और नाभि के नीचे पक्षी के अंडे की तरह यहाँ पर बताया गया कंद को, यहाँ से 72,000 नाड़ियां निकलती है। सेम है हमारा योग कुंडली योग चूड़ामणि उपनिषद में और ध्यान बिंदु उपनिषद में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे किस में नादानुसंधान या नाद या अवस्थाएं बताई गई है, तो देख लेंगे। पंच महाभूत की सूक्ष्म अवस्थाएं बताई गई है श्वेता स्वरूप निषद में, स्थूल अवस्थाएं, सूक्ष्म स्वरूप अवस्थाएं, सूक्ष्म अनुवय अर्थ तत्व और ये ज्ञान के उत्थान की अवस्थाएं भी इनको यहाँ पर कहा गया है। ये आपका हो जाएगा श्वेता स्वरूप निषद में। फिर हम बात कर लेते हैं योग कुंडली उपनिषद में नहीं दिया गया है, ये आपका योग चूड़ामणि उपनिषद का दिया गया है। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पर नाद सिद्धि नाद के बारे में बताया गया है योग चूड़ामणि उपनिषद में। यहाँ पर सिद्धासन की अवस्था मतलब सिद्धासन लगाना है, षडमुखी मुद्रा की अवस्था है, अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाए, वायु को हृदय प्रदेश में रोके, ऐसा करने से महाध्वनि सुनाई देगी और घंटा आदि वाद्यों की यही नाद सिद्धि यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पे योग की 4 अवस्थाएं भी बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया अवस्था। ये आपका योग चूड़ामणि उपनिषद का ही है। फिर हम बात कर लेते हैं त्रिशिखो ब्राह्मण उपनिषद में, यहाँ पर भी 4 अवस्थाएं भी बताई गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्था और तुरिया अवस्था। यहाँ पे क्षेत्र भी बताए हैं, जो जागृत अवस्था है वह नाभि से लेकर हृदय तक बताई गई है, जो स्वप्न अवस्था है उसे कंठ में बताया गया है, जो सुप्त अवस्था है वह तालु के मध्य में बताई गई है और जो तुरिया अवस्था है वह भ्रुकुटी के मध्य में बताई गई है। नेक्स्ट बात करें हम योग तत्व उपनिषद की, योग तत्व उपनिषद में 3 ही अवस्थाओं का हमें वर्णन मिलता है, एक तो आरंभ अवस्था, घट अवस्था और परिचय अवस्था। जो घट अवस्था है उसको यहाँ पर प्रत्याहार कहा गया है और जो परिचय अवस्था है यहाँ पे कुंडली जागरण की जो अवस्था है उसको कहा गया है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्यान बिंदु उपनिषद की, तो ध्यान बिंदु उपनिषद में नाद के बारे में भी हमें चर्चा मिलती है और अवस्थाओं के बारे में भी चर्चा मिलती है। तो नाद में क्या क्या है, व्योम रंध, जो आकाश जो रंध है और वहां पर मोर ध्वनि के समान नाद की बात की गई है। और यहाँ पे अवस्थाएं 3 प्रकार की बताएंगे हैं, निद्रा अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरिया अवस्था। तो निद्रा अवस्था ये स्वप्न अवस्था को बताया गया है, सुषुप्ति अवस्था में परमेश्वर की प्राप्ति बताई गई है और जो तुरिया अवस्था है, तुरिया अवस्था में मोक्ष या आत्म का दर्शन होता है ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाद बिंदु उपनिषद की, तो यहाँ पर हमें सिद्धासन में वैष्णवी मुद्रा में दाएं कान से नाद को सुनने के लिए कहा गया है। जब इस प्रकार हम नाद सुनेंगे तो हमें प्रारंभिक में जो ध्वनि सुनाई देगी वह समुद्र, मेघ, भेरी और झरने की सुनाई देती है, मध्य ध्वनि में मृदंग, घंटा और नगाड़े की ध्वनि हमें सुनाई देती है और अंत ध्वनि में किणिंक, वंशी, वीणा और भ्रमर की अंत ध्वनि में सुनाई देती है। अवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रकार की अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया अवस्था, और जो सर्वश्रेष्ठ जो अवस्था है वह तुरिया अवस्था को यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट हम और देख लेते हैं और क्या क्या कहा गया है।
श्वेता शरोपनिषद में योग की सफलता के चिन्ह भी बताए गए हैं, यहाँ पे 9 चिन्ह यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस लगाने के लिए आपको आ सकता है, जैसे कोहरा, धुआं, सूर्य, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा, ये योग के सफलता के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका हाँ योग कुंडली उपनिषद। योग कुंडली उपनिषद में खेचरी मंत्र यहाँ पर बताया गया है, जिसे मेलन भी यहाँ पर बोला गया है, हिम भम सम मम पम शम क्षम, ये खेचरी मंत्र यहाँ पर बताए गए हैं। और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय भी यहाँ पर बताए गए हैं, 6 उपाय बताए गए हैं। सबसे पहले कुंडली जागरण, षट चक्र का भेदन, 3 ग्रंथियों का भेदन, आत्मा अनुसंधान, खेचरी मेलन सिद्धि और ध्यान अंगुष्ठ मात। फिर बात करें हम योग कुंडली उपनिषद की, यहाँ पे प्राणम में निहित, यहाँ पर प्रवणम में बहुत सारी चीजें, ओम में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर 3 अक्षर हैं, 3 लोग बताए गए हैं, भू भुआ स्व, 3 गुण बताए गए हैं, 3 स्वर बताए गए हैं और अ उ और मौ में बताया गया है। औ में जो निवास होता है, औ का नेत्र में होता है, ऊ का कंठ में होता है और मौ का हृदय में स्थान होता है। और जो होते हैं वो लाल कलर के यहाँ पे बताया गया है, ऊ को श्वेत और मौ को कृष्ण कलर का बताया गया है। ऐसे ही इसमें गुण भी बताए गए हैं, अ में आपके रज, ऊ में सत्व और मौ में तम गुण बताए गए हैं। दोष भी, देव भी बताए गए हैं, अ में सोम, ऊ में सूर्य और मौ में अग्नि बताए गए हैं। यहाँ पे शक्तियां बताई गई, शक्तियां 2 प्रकार की हैं, एक में ऊ में क्रिया, इच्छा और ज्ञान, और दूसरी प्रकार की जो शक्तियां इसमें ब्राह्मी, रौद्री और वैष्णवी यहाँ पर बताई गई है। ऋषि को ब्राह्मण की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं, शरीर क्या है, प्राण क्या है, कारण क्या है और आत्मा क्या है। नेक्स्ट हम बात करें योग तत्व उपनिषद में, इसमें भूचरी सिद्धि की बात है। भूचरी सिद्धि की हमें योग तत्व शिव संहिता में भी भूचरी सिद्धि का हमें वर्णन मिलता है। और यहाँ पे प्रणव में विद्यमान यहाँ पे भी ओम में बताई गई है, 3 लोक यहाँ पर हैं, 3 वेद हैं, 3 संध्याएं हैं, 3 स्वर हैं, 3 अग्नि और 3 गुण यहाँ पर बताए गए हैं। फिर बात करें हम ध्यान बिंदु उपनिषद की, ध्यान बिंदु में यहाँ पर ओमकार में 8 अंग इसके बताए गए हैं, अकार, उकार, मकार, नाद, बिंदु, कला, कलातीत और उससे भी परे यहाँ पर बताए गए हैं। 4 पैर बताए गए हैं, जो 2 प्रकार से ये पैर भी, व्यष्टि परक और समष्टि परक बताए गए हैं। 3 नेत्र यहाँ पर बताए गए हैं और 5 देव यहाँ पर बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये 5 प्रकार के देव बताए गए हैं। फिर बात कर लेते हैं हम नाद बिंदु उपनिषद की, नाद बिंदु उपनिषद में 7 लोक यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले भू, ये जो भू में दोनों पैर यहाँ पर बताए गए हैं। भाव, भाव कहाँ पर है, घुटनों पे यहाँ पर बताया गया है। जो स्व है वह कमर में यहाँ पर बताया गया है। जो मह है वह नाभि पे बताया गया है। जो जना है, जना आपका हृदय में बताया गया है। और जो आपका तप है, तप आपका कंठ में बताया गया है। और जो सत्य है, सत्य आपका भूमध्य में बताया गया है। फिर यहाँ पे परब्रह्म का स्वरूप भी बताया गया है। परब्रह्म का स्वरूप में यहाँ पर आपका जो हंस है, हंस के जो आकार है उसमें ही आपका बताया गया किस तरीके से परब्रह्म का स्वरूप है। जो इसका मस्तक यहाँ पर बताया गया है, जो चंद्र बिंदु होता है उसको यहाँ पर मस्तक, जो हमारा कौन होता है, चंद्र बिंदु के यहाँ पर मस्तक बोला गया है। जो ये हंस है, हंस का जो दायां, जो पंख होता है, दायां पंख को आकार बोला गया है। और जो इसका बायां जो पंख है, इसको यहाँ पर मकार बोला गया है। जो इसकी पूंछ है, इसको मकार बोला गया है। जो इसका, जो ये शरीर है, इसको सद्गुण बोला गया है। जो इसके पैर है, इसको रजोगुण और तमोगुण बोला गया है। जो इसकी दाई आंख है उसको धर्म बोला गया है। जो इसकी बाई आंख है उसे अधर्म बोला गया है। इस तरीके से यहाँ पर हंस के स्वरूप को लेके उकार, उसके अंगों का वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाद बिंदु की, ओम की 12 मात्राएं हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, ओमकार की 12, ये आपके नाद बिंदु की है। तो सबसे पहली जो मात्रा आपकी घोषणी है, सेकेंड है विद्युत मात्रा,
थर्ड होगी आपकी पतंगनी, फोर्थ होगी वायु वेगनी, फिफ्थ नामधेया, सिक्स है ऐन्द्री, सेवन है वैष्णवी, एट्थ है आपकी शंकरी, नाइन्थ होगी महती, टेंथ होगी धृति, इलेवन होगी नारी और ट्वेल्व होगी ब्राह्मी। इसकी शॉर्ट ट्रिक किसको पता है? पता है किसी को? याद है? आवाज आ रही है मेरी? किसी को भी लर्न नहीं है? घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ती है, नाम नाम धराया इंद्र ने, विष्णु शंकर महती रहती है, नारी जागी, नहीं नारी ऐसा कुछ था, मैं भूल गई। भूल गए हैं, भूलना नहीं है। चलो मैं देखे, नारी जागी ब्रह्मा की ना, इसको लर्न जरूर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ती है, नाम चलाया इंद्र ने, विष्णु शंकर के पास महती रहती है, धृति जागी नारी की, ब्रह्म को प्राप्त किया। ठीक है, चलिए यहीं पे आपके योग उपनिषद कंप्लीट होते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम, इसमें मात्राओं में प्राण त्यागने पर प्राप्त की जो प्राप्ति होती है, ये जो 12 मात्राएं हैं, वो भी तो आती है क्या क्वेश्चन में? 12 मात्राओं की तो बात कर रही थी मैं भी, यही तो मेन। वो जो पद की प्राप्ति होती, पद की जो प्राप्ति होती, पद की प्राप्ति से तो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, मगर यहाँ ओंकार की जो 12 मात्राएं, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही आता है, आगे पीछे कहीं से भी पूछ सकते हैं यहाँ पर से। और बाहरी इंट्रोडक्शन तो जरूर करके जाएंगे, वहां से भी क्वेश्चन आपका आता है, किसमें कितने योग दिया हुआ है, किसमें किसने मंत्र दिए, मंत्र से तो नहीं, कितने किस प्रकार का योग दिया गया है, वो जरूर क्वेश्चन आता है उसके, और कितने आसन दिए गए हैं, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। जो बाहरी आउटलाइन है उसको भी अच्छे से लर्न करना है।